हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक ठाक है? आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड थ्योरम यूज करके दो फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे और उनका जो होता है डिफरेंस वो मालूम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ये 2 है और हमने इसका फाइंड करना है, वो करना है वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सिक्स ए एक्स प्लस सिक्स ए माइनस एक्स प्लस सिक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सिक्स बी इफ एक्स इज इक्वल टू 12 ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। सोल्यूशन गिवन एट ये गिवन ये वैल्यू दी गई है, इससे हमने यूज करके इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं एक्स इक्वल टू 12 ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। एक्स इक्वल टू आ गया, इसका हमने फैक्टर बढ़ाया 2 मल्टीप्लाई 6 ए बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, दो छः बार 12। एक्स इक्वल टू आ गया 6 का एक सब पेयर बनाएंगे, क्योंकि इधर हमें 6 से एक ही जरूरत है, इसलिए हमने 6 के साथ ए रख लिया और 2 के साथ बी रख लिया डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। इधर 6 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया एक्स डिवाइड बाई 6 से, इधर रह गया 2 बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। यूजिंग कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम, एक मरतबा ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करते हैं और एक मरतबा ऊपर वाली को नीचे वाली में माइनस करके नीचे लिखते हैं, ठीक है? ये हमारे लेफ्ट साइड, अब राइट पे आ जाएं। एक मरतबा 2b में नीचे वाली को प्लस किया प्लस a माइनस बी, एक मरतबा ऊपर वाली में 2b में से नीचे वाली को माइनस किया। जब माइनस करेंगे तो ये दो टर्म है, ये पहली माइनस की हो गई, दूसरी प्लस की हो गई। अब 2b को माइनस बी के साथ मैंने लिखा और प्लस a साइड पे हो गया, फिर 2b के साथ प्लस b को ऐड किया माइनस a साइड पे हो गया, फिर 2b में से b को माइनस कर दिया तो प्लस का भी रह गया और a जो है उसको पहले लिख लिया, ठीक है? इधर अब तरतीब लगाई डिवाइडेड बाई 3b, 2b और b प्लस किया 3b माइनस a। अब आप क्लियर देख सकते हैं, इधर हमें माइनस सिक्स ऊपर चाहिए और प्लस सिक्स नीचे, लेकिन इधर रूल के मुताबिक प्लस सिक्स ऊपर है माइनस, हम दोनों को रेसिप्रोकल उल्टा लेंगे, रकम माइनस वाली ऊपर ले जाएंगे प्लस वाली नीचे, तो इसी तरह नीचे वाली ऊपर चली गई 3b माइनस और a प्लस बी नीचे आ गई। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब x इक्वल टू 12 ab इसको दोबारा यूज करेंगे ताकि इसकी वैल्यू निकाल सके। x इक्वल टू 12 ab डिवाइडेड बाई a माइनस b, x इक्वल टू 26 टाइम 12 ab डिवाइडेड बाई a माइनस b। अब हमें 6b की जरूरत है तो 6 का बी के साथ पेयर बना लेंगे फैक्टर और 2 का ए के साथ डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। इधर 6b मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो गया एक्स के नीचे, एक्स ओवर 6b इक्वल है 2m डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब यूजिंग कंपाउंड एंड डिवाइड एंड थ्योरम ताकि ये वैल्यू बन जाए, तो एक्स ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस किया एक्स प्लस 6b, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस किया एक्स माइनस 6b इक्वल है, फिर ऊपर वाली 2a में नीचे वाली को प्लस किया, प्लस किया तो अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ दोनों टर्म का, a माइनस बी रह गया। फिर नीचे करेंगे 2a में से माइनस a माइनस बी, जब नीचे माइनस करेंगे तो ये जो माइनस होगा इसने अंदर वाली को इसको भी माइनस कर दिया और इसको भी प्लस कर दिया माइनस वाली को, तो ये आंसर आ गया 2a माइनस a प्लस बी। एक्स प्लस 6b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6b इक्वल है 2a और a को ऐड किया 3a आ गया माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a में से a को माइनस कर दिया a प्लस बी, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे हमारी गिवन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्वेश्चन 1 की लेफ्ट साइड जो है एक्स माइनस सिक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सिक्स ए, उसको क्वेश्चन 2 की लेफ्ट साइड में से माइनस करेंगे एक्स प्लस 6b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6b, ये हमारे पास आ गया। फिर इसकी क्वेश्चन 1 की राइट हैंड साइड 3b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, उसमें से क्वेश्चन 2 की राइट साइड 3a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी को इधर लिख लिया। अब दोनों का जो फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ऐसे में आ गया ए प्लस बी, तो ऊपर वाली टर्म में कोई चेंज नहीं आएगी, ये 3b माइनस ए वैसे का वैसे आ गया, ये जो माइनस है इसने अंदर के लिए चेंज, ये माइनस 3a आ गया माइनस माइनस प्लस बी। अब ये तरतीब लगाएंगे 3b के साथ प्लस बी लिखेंगे माइनस ए के साथ माइनस 3a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 3b और 1b हो गया 4b और माइनस ए और माइनस 3 होता है माइनस 4a डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इधर से 4 कॉमन लिया तो 4b माइनस ए प्लस बी, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो ऊपर में एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।